हेलो दोस्तों, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम एक BS6 का ECM को रीड एंड राइट करेंगे। वो भी कैसे, क्या इसका प्रोसेस रहता है, क्या इसका सिस्टम रहता है, आपको स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हालांकि अभी मैं इधर मेरे वर्कशॉप पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपने एक कस्टमर हैं, उनको हमने KT200 सेल किया है, तो अभी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने उनको व्हाट्सएप के थ्रू हमने उनको कनेक्शन सारा कुछ करवा लिया है। देख सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू हमने इनको कनेक्शन दिया था, कनेक्शन सारा कुछ इन्होंने अभी लगवा लिए हैं और हमें कन्फर्मेशन भी कर दिए हैं। ठीक है, अभी हम इनमें एनईडीएक्स में आ गए हैं। अभी मैं स्टेप बाई स्टेप करूँगा कैसे इसको करना है, आप देख सकते हैं। हो सकता है उनका थोड़ा नेट स्लो हो उधर। अभी हमने उन्होंने सारा इधर बैटरी वोल्टेज दे दिया है। अभी हम स्टार्टिंग से बताता हूँ, जैसे आप KT200 ओपन करेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सुजुकी में जाओ, सुजुकी में जाने के बाद SP C58 में जाओ, MG1CS026 में जाओ, ओके करो। तो आपको सारा कुछ कनेक्शन करने के बाद पहले आपको ECM कनेक्ट करना रहता है। हमने ECM को कनेक्ट किया है। ठीक है, अभी वो स्विच ऑन करने के लिए बोलेगा तो स्विच उधर से ऑन करना रहेगा। उधर से इतना ज़्यादा कोई इतना मुश्किल नहीं है ECM रीड करना। सबसे पहले कनेक्शन लगाओ, उसके बाद इंटरनेट लगाओ लैपटॉप में। लैपटॉप में इंटरनेट लगाने के बाद जो उसका प्रोटोकॉल है उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप सबसे पहले ECM को कनेक्ट करो। अभी हमने इग्निशन ऑन कर दिया है, ओके कर दिया, उधर से स्विच इग्निशन ऑन कर दिए हैं। हमारा जो ECM है वो कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, कनेक्ट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले गाड़ी का ओरिजिनल फाइल रीड करके सेव करेंगे। ठीक है, जो इसकी गाड़ी की ओरिजिनल फाइल है वो हम इसको रीड करके सेव करेंगे। अभी हम कोई भी एक नाम दे देते हैं। ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल फाइल हमने नाम दे दिया है फाइल में। ये कर क्या रहे हैं उसको, बोलो सिम्बा जी। तो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं टाटा एस बोल को जी। तो जी तो जी तो ओके ओके जी तो ओरिजिनल फाइल, वो आर जी ओरिजिनल फाइल बोल को सेव कर तू, यहाँ भी होस्ट दे तू। हाँ सेव करना कभी तुम्हें, कभी काम करने से टेम्पो ओरिजिनल सेव करना जी। तो बाद में तुम्हें नाम चेंज कर लियो। हाँ जी, तो अभी हम, हाँ अभी हमने इसकी ओरिजिनल फाइल को सेव कर लिया है। अभी यानी नाम दे के अलग से एक फोल्डर बना दिया है। अभी हम इसको डेटा रीड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं अभी अपना शुरू हो चुका है, शुरू होने वाला है, 1-2 सेकेंड के अंदर शुरू हो जाएगा। अभी इग्निशन ऑन करने के लिए बोल रहा है, इग्निशन ऑन करेंगे। हमने जीतो के नाम से हमने इसमें जो फोल्डर है वो हमने नाम दिया है। देख सकते हैं अपना राइटिंग रीडिंग शुरू हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसका डेटा जो है वो है हम सेव कर रहे हैं। अभी हम जो डेटा डालेंगे DPF1 का, वो डेटा इधर से डालेंगे राइडिंग में। ठीक है, अभी ये अपना थोड़ा समय लगेगा, 5 मिनट या 4 मिनट लगेगा, तो जब तक मैं आपको ये स्टॉप करता हूँ। अपनी जो फाइल है वो रीडिंग हो चुकी है, अभी हम करेंगे ओके। बंद करने के लिए बोल रहा है, हो चुका है बंद। ठीक है, अभी हम जो है वो डेटा इसके अंदर राइट करेंगे। तो राइट डेटा, राइट माइक्रो जो अपने पास फाइल है वो हम डालने वाले हैं, तो राइट डेटा में चले जाएंगे। अभी मैं डेस्कटॉप पे इनको फाइल डाल दिया हूँ। एक लाजारो भैया, तुम्हारी फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ।
ये वाली फाइल हमने सेलेक्ट कर लिया है, अभी हम डेटा राइट करेंगे। ठीक है, इधर देख सकते हैं, एक मेरे सिस्टम से डायरेक्ट इनको सिस्टम में मैं कॉपी कर चुका हूँ। हेलो, बोलो भैया। एक लाज आ रहा हूँ, मैं क्या भी करूँगा को, मैं आता हूँ एनीडिक्स से, एक दूसरे का एक नया काम कर रहा हूँ, करते साथ एनीडिक्स में आ रहा हूँ तुम्हारे। 2 मिनट होगा इनका डेटा रेड हो रहा। हाँ ओके, देखो दोस्तों, अपना जो डेटा है वो राइडिंग हो रहा है। ठीक है, बस इतना ही है। डेटा सक्सेसफुल होने के बाद आप गाड़ी पे लगाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, तुरंत गाड़ी स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में सब्सक्राइब करें, इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। छोटे कुछ तकलीफ़ आती है वो हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक दो तीन इसके अंदर प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसा रीड एंड राइट किया जाता है KT 200 की मदद से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।